तो एक नाथ शिंदे को जान से मारने की सुपारी दी गई। बड़ा बयान, बड़ा आरोप लगाया गया है ये। शिंदे गुट के विधायक सुहास कादमी ने ये बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि धमकी देने के बाद भी सुरक्षा बढ़ाने से रोका गया और सुरक्षा ना बढ़ाने के लिए खुद वर्षा बंगले से फोन गया था। ये बड़ा आरोप सुहास कादमी ने उद्धव ठाकरे पर लगाया है और ये कहा है कि जिस वक्त एकनाथ शिंदे को नक्सलियों द्वारा मारने की धमकी दी गई थी और नक्सली उन्हें मारने के लिए थाने तक पहुंच गए थे, सुपारी दी गई थी उन्हें मारने के लिए, बहुत बड़ा आरोप, सनसनीखेज आरोप लगाया है और उस वक्त उद्धव ठाकरे ने उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई जबकि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देनी चाहिए थी। सुनिए कांदे का बयान। एकनाथ शिंदे का मारने की सुपारी दिलापासून झाली। आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे मला वाटतं पालकमंत्री होते आणि त्या पालकमंत्री असताना तो नक्सलाइज एरिया होता गडचिरोलीचा। आदरणीय शिंदे साहेबांबरोबर सर्व पोलीस बसले आणि सुदैवाने अनेकांनी आत्मसमर्पण केलं आणि अनेकांचा पोलिसांनी इन्काउंटर केलं। शिंदे साहेबांनी पालकमंत्री या नात्याने प्रत्येक पोलिसाला 10-10 लाख रुपये दिले। नक्सलाइज सगळे चौताळले आणि सर्व नक्सलाइज संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी असं ठरवलं की एकनाथ शिंदेंचा खून करायचा। नक्सलाइज ठाण्यामध्ये येऊन किंवा गडचिरोलीला शिंदे साहेबांचा खून करणार आहे असं समजलं। सगळ्यांनी असं ठरवलं, सगळ्यांनी म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री आणि राज्य गृहमंत्री शंभूराज देसाईंनी सगळ्यांनी ठरवलं की साहेबांना झेड प्लस सुरक्षा द्यायची। परंतु वर्षा बंगल्यावरून मी सांगायला मला कुठलंही मी घाबरत नाही, वर्षा बंगल्यावरून शंभूराज देसाईला फोन गेला आणि एकनाथ शिंदेंना झेड प्लस सुरक्षा द्यायची नाही असं सांगितलं गेलं। जो 16 वर्षापासून हिंदुत्व जपतो, जो 16 वर्षापासून शिवसेना मोठी करतो, आज 40 वर्षापासून शिवसेनेत राहतो, त्या माणसाचं जर तुम्ही खून करायला लागले याचा अर्थ आमच्या सारख्याचा। अरे मी माझं उदाहरण देतो, मला छोटा राजांचा फोन आला, मला धमकी। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।